हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा सेक्टर 150 नोएडा। सेक्टर 150 नोएडा का लास्ट सेक्टर और ग्रेटर नोएडा से आते हुए पहला सेक्टर पड़ता है। ये सेक्टर इतना प्रीमियम एंड लग्जरियस बताया जाता है कि यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के रेट भी 7,000 से 10,000 पर स्क्वायर फीट तक जाते हैं। तो चलिए आज जाके देखते हैं क्या इस सेक्टर सच में इतना हाई रेट डिजर्व करता है या फिर जस्ट ये एक ओवरहाइप बबल अप सेक्टर है। तो चलते हैं सेक्टर 150 नोएडा। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे नोएडा का लास्ट सेक्टर पड़ता है, बट लोकेशन एंड प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से मैं इसे ग्रेटर नोएडा का फर्स्ट सेक्टर बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि इस सेक्टर के रेजिडेंट्स को एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब के लिए मोस्टली ग्रेटर नोएडा पे डिपेंडेंट रहना होगा। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 148 है, जो कि सेक्टर के अपोजिट साइड एक्सप्रेसवे पे अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ता है। इस सेक्टर से अगर आपको ग्रेटर नोएडा जाना है तो आपको एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए काफ़ी लोनली स्ट्रेच अंडरपास को यूज़ करना पड़ता है, जो कि बहुत सेफ तो नहीं लगता। इस सेक्टर में आपको मोस्ट प्रीमियम बिल्डर्स के ही प्रोजेक्ट मिलेंगे, लाइक ATS, LDCO, महागुण, गोदरेज, टाटा और एस। लेकिन इन सभी प्रोजेक्ट में सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट ही ऑलरेडी रेडी टू मूव है जिनमें लोग रह रहे हों, जो कि है एस गोल्फ शायर, अंतरिक्ष गोल्फ सिटी और ATS प्रिस्टीन। महागुण मीडोज में रिसेंटली ही पोजिशन स्टार्ट हुए हैं। इनके अलावा यहाँ बाकी सभी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनके फिजिकल हैंडओवर्स में भी कम से कम 1 से 5 साल तो आराम से लग सकता है। यहाँ पर अराउंड 4-5 प्रोजेक्ट ATS के हैं और सभी के सभी ऑलरेडी डिलेड हैं। इनका करंट स्टेटस और जो प्रोग्रेस है वो ऑपोजिट कंपेरिजन में बहुत अच्छी तो नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में यहाँ पर और प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, समृद्धि लग्जीरिया, LDCO लिव बाय द ग्रीन, प्रतीक कैनरी, एस पार्कवे, टाटा यूरेका पार्क्स और गोदरेज नर्चर। आपको जान के सरप्राइज होगा कि टाटा और गोदरेज ने अभी तक नोएडा ग्रेटर नोएडा में एक भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया है, फिर भी यहाँ सिर्फ उनकी ब्रांडिंग वैल्यू के वजह से इन प्रॉपर्टीज के रेट्स यहाँ पर बहुत हाई है। अगर मैं कॉमन एमिनिटीज की बात करूँ तो सेक्टर के बीच में 40 एकड़ में शहीद भगत सिंह नाम का एक पार्क है। इस पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये पार्क ना काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी अच्छा ग्रीनरी इसमें प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। इसमें एक ओपन जिम भी है, स्विंग्स भी है और आगे इसमें एक लेक भी प्लान्ड है। तो अगर मैं एनवायरनमेंट और ग्रीनरी के हिसाब से बताऊँ तो ये पार्क काफ़ी बड़ा एडवांटेज है इस सेक्टर के लिए और काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए। अगर मैं बात करूँ सेक्टर के रोड्स की तो यहाँ पर डेफिनेटली रोड्स काफ़ी बड़ी हैं और अभी तो मेनटेन भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी ऑक्यूपेंसी बहुत कम है तो मोस्ट ऑफ द रोड स्ट्रेच जो है वो डेजर्टेड एंड लोनली है, जो कि एक मेजर सिक्योरिटी डिसएडवांटेज है आज की डेट में। अगर मैं बात करूँ कॉमन मार्केट्स की तो अभी इस सेक्टर में एक भी अच्छा कमर्शियल मार्केट नहीं है, जिसकी वजह से अभी यहाँ के रेजिडेंट सोसाइटी शॉप्स के अलावा या तो ग्रेटर नोएडा या फिर नियर बाई विलेज मार्केट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये अभी फिलहाल के लिए तो मेरे को एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम लगती है। इस सेक्टर को एक प्रीमियम लोकेशन की तरह प्रोजेक्ट करने और यहाँ के हाई रेट्स के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है यहाँ पर होने वाले स्पोर्ट्स स्टेडियम एंड फैसिलिटीज़ लाइक गोल्फ कोर्स, प्लेग्राउंड्स एक्सेट्रा, जो कि प्रोजेक्टेड है। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर दूर दूर तक एक अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो अभी फंक्शनल तो क्या उसके आसपास भी नहीं दिखती है। तो देखिए, मैंने आपको सेक्टर 150 के बारे में सब कुछ दिखा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि सेक्टर 150 नोएडा का लास्ट सेक्टर ना होकर ग्रेटर नोएडा का पहला सेक्टर है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो जितना भी एंटरटेनमेंट हो, शॉपिंग हो, इन सब चीज़ के लिए वहाँ के लोग जो है ग्रेटर नोएडा पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि नोएडा के जो वहाँ पे जितने भी मॉल्स वगैरह वहाँ से काफ़ी दूर पड़ते हैं। दूसरी बात, मेट्रो कनेक्टिविटी भी हाईवे के अपोजिट साइड है, जो कि बिल्कुल नियर अबाउट नहीं है। वहाँ पे अभी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, जिसको आप अच्छा भी मान सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वहाँ पे आसपास कोई बड़े मार्केट्स वगैरह भी नहीं है। तो इस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो तभी इन्वेस्ट करें अगर वो आप अपने एंड यूज़ के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करोगे तो उससे आपको रेंटल भी इतना हाई रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट जल्दी नहीं देगा। या फिर अगर आप वहाँ पे लेने जा रहे हैं तो आप थोड़ा आगे और जा सकते हैं, ग्रेटर नोएडा में चाय फाय सेक्टर है, काफ़ी सेक्टर है जहाँ पे आपको इससे कम रेट में इससे अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। सो थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।